अलवर से दीपक मंगला जीत दर्ज कर चुके हैं। उनसे खास बातचीत की टोटल टीवी संवाददाता दिनेश कुमार ने। 29,000 के करीब वोटर जीते, आइए उन बात करते हैं। मंगला जी, बधाई हो आपको। धन्यवाद बहुत बहुत। क्या कहोगे, इतनी बड़ी जीत हुई है जी? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जो इन पीछे 5 साल का हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का काल था, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस पलवल क्षेत्र में विकास कार्य करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज उसी का परिणाम है या क्षेत्र की जनता ने इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दी है। और मैं क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत दी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो विकास कार्य पिछले 5 सालों में हो रहे थे, अब ये और तेज गति से प्राथमिकता के आधार पर इन विकास कार्यों को करवाएंगे और निश्चित तौर पर आने वाले समय में पलवल क्षेत्र विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। आपकी जो पार्टी की सरकार के ज्यादातर मंत्री चुनाव हार गई, नई मंत्रियों को मौका मिलेगा, आपका नंबर आता है, तो क्या विकास का हम ऐसे करेंगे जो पलवल की पहचान हरियाणा में बनेगी? देखिए, पलवल क्षेत्र की जनता के पीछे भी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत काम हुए हैं और मैं ये कहता ही आ रहा हूँ कि बहुत विकास कार्य होंगे यहाँ, जो और तेज गति से विकास कार्य होंगे। पलवल को हम अच्छा, सुंदर और पलवल के रोजगार युवाओं के लिए विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, बहुत काम यहाँ हुआ है और जो काम हमारे रह गए हैं प्राथमिकता के आधार पर उनको भी कराएंगे। और पलवल में विकास की दृष्टि से पलवल क्षेत्र का नाम न केवल हरियाणा के मानचित्र पर सबसे ऊंचाइयों पर होगा, देश के मानचित्र पर सबसे ऊंचाइयों पर। आप जब वोट मांगने जाते थे तो लोग क्या मांग करते थे, क्या काम होने चाहिए, जो उस लोग नाराज होंगे, क्या उम्मीद है आपसे उनको? देखिए, जब मैं जनता के बीच में जाता, जनता में विशेष उत्साह का वातावरण था। क्षेत्र की जनता ये चाह रही थी कब 21 तारीख आए, कब हम अपना मत भारतीय जनता पार्टी को दे करके पलवल क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड तोड़ वोटों से कमल को खिलाएं। लास्ट सवाल, कोई ऐसे 5 काम जो आप पलवल के लिए विशेष तौर पर करना चाहते हैं जो आप पिछली सरकार में नहीं कर पाए? देखिए, जो हमारे विकास कार्य चल रहे हैं अब वो और तेज गति से हों। एक मेरा ये भी प्राथमिकता रहेगी, पिछले इन 5 सालों में आपस में गांवों में भाईचारा हो, पार्टीबाजी ना हो, बिगर भेदभाव के काम हो। और उसके साथ साथ पलवल के अंदर जो विकास कार्य रह गए हैं क्षेत्र की जनता के अनुरूप, उन कामों को प्राथमिकता के आधार पर करें पूरा। ये थे हमारे साथ पलवल से विधायक दीपक मंगला, जिनका कहना है कि जो रुपये विकास कार्य उनका पूरा करेंगे और गांवों में पार्टीबाजी न करके भाईचारे को कायम करेंगे। पलवल से स्मार्ट टोटल।